बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास तर्जमतुल कुरान की पेपर स्कीम शेयर करूंगा। आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है तो आपके इंशाल्लाह फिर पूरे नंबर आने हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमने आखिर करना तो करना क्या है इस बुक के अंदर, क्योंकि ये नई बुक है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह 9th क्लास के लिए थी। उन बच्चों को मैंने पेपर करवाया और माशाल्लाह सारे बच्चों का पेपर 45+ नंबर का हुआ है सिर्फ एक दो दिन पढ़ के। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ आपने गौर से सुननी है, यही चीज़ें पेपर में आनी है। पहली चीज़ आएगी मरूजी, 10 नंबर के MCQs आने हैं पेपर में सिर्फ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास की तर्जमतुल कुरान की पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिबाल, आज़ाद कश्मीर, तकरीबन 9 से 10 बोर्ड आते हैं पंजाब के अंदर। तो इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं कराची वगैरह के, वहाँ पे और सारा सिलसिला कार है। तो ये जो पंजाब के बच्चे हैं उनके लिए है ये पेयरिंग स्कीम टोटल। तो मरूजी 10 नंबर के MCQs आने हैं आप लोगों को। अब आने कहाँ से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि करने कहाँ से, आखिरकार तैयार हमने कहाँ से करनी है चीज़ें। मुख्तसर सवालात, शोर सवालात आप लोगों ने 5 करने हैं, हर सवाल के 2 नंबर होंगे और 10 नंबर का ये होगा, ठीक है। अब कितने आएंगे और कितने करने का च्वाइस होगी इनके अंदर या नहीं होगी, ये तमाम डिटेल्स जो है, तमाम जितने भी सवाल आते हैं मैं आप लोगों की क्लियर कर देता हूँ। सो ज़खीरा अल्फाज के मानी, अल्फाज मानी भी पहली दफ़ा आएंगे अब 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है। पहले अल्फाज मानी नहीं आते थे, होते थे पेपर में, मतलब कि अल्फाज और मानी पेपर में आ रहे हैं, आपने उनके मानी लिखने हैं जी। ये छोटी क्लासेज में होता था 5वीं 6वीं 7वीं तक, ठीक है। लेकिन अब इस्लामिया की जो बुक है उसके मानी भी आएंगे पेपर में, ये तर्जमतुल कुरान की जो बुक है। दर्ज जाइज में से कोई 3 अज़ा का बाम अपना तर्जमा करें, 3 आयतें आएंगी आप लोगों को, ठीक है। अब आयतें कहाँ से आनी है, क्योंकि तर्जमतुल कुरान की इतनी बड़ी बुक है, इतनी सारी आयतें तो नहीं आप लोग याद कर सकते। अब कौन सी आनी है, क्या करना है, सारा मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ वही करनी है, बाकी छोड़ दो सारा कुछ। बेशक पेपर दे के आगे चेक कर लें, अगर ना मैच किया तो फिर कहना है, ठीक है। सो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब तफसीली सवाल 2 आए पूछेगा पेपर में, ठीक है। पेपर में 2 सवाल आएंगे, जैसे वो पूछ लेगा कि सूरह बकरा का तारफ़ लिखें, खुलासा लिखें और मरकजी मजमून लिखें। इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि सूरह तौबा का तारफ़ लिखें, खुलासा लिखें और मरकजी मजमून लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, ये 2 लॉन्ग आएंगे, आपने कोई एक करना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर 1, मरूजी। मरूजी कहाँ से आनी है, ये सवाल तमाम मुकर्ररा सूरतों, अब मुकर्ररा सूरतें कौन सी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो ये आप लोगों की बुक है जी तर्जमतुल कुरान की, ठीक है। यही बुक है, हाँ जी भी यही बुक है आप लोगों की। तो यहाँ से ये देखिए, ठीक है, ये आपकी सारी सूरतें हैं सिर्फ तर्जमे के लिए। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि भाई ये जो सूरतें हैं सारी सूरतें हमने ये करनी है, नहीं भाई, ठीक है, इस तरीके से सिलसिलाकार नहीं है। सारी सूरतें आप लोगों की ये वाली हैं, सारी सूरतें ये वाली हैं, जो MCQs हैं आपके वो इनमें से आने हैं सारों में से, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे जो नीचे सूरतें दी हैं जिनके अंदर से बामहावरा तर्जमा आना है उनमें से नहीं आएगा सारा, कोई एक दो MCQs इनमें से आ जाएंगे, बाकी MCQs जो हैं वो आप लोगों के इनमें से आने हैं सारों में से। अब इंशाल्लाह आपको गैस पेपर मिल जाएगा, आप लोगों को गैस पेपर तैयार कर लेना, आपका पेपर इंशाल्लाह 100% ही डन हो जाएगा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जी नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग मरूजी हो गई, मुकर्ररा सूरतों के तारफ, मरकजी मजमून, खलासा और अहम निकात में से आएंगी। ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हर चैप्टर के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया भी होगा इसका। ये देखें सूरह बकरा के मजामीन और अहम नकात, ठीक है, इनमें से MCQs बना के देगा वो पेपर में। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चनों की तरह, मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्ररा सूरतों में से पूछ जाएंगे, जितनी भी सूरतें आ रही हैं, ठीक है, जो मैंने ऊपर दिखाई हैं आपको वो उनमें से आएंगे। इनमें एक सूरतों का तारफ आएगा, एक सवाल आएगा सूरत का तारफ लिखें जी। जैसे ये सूरह बकरा है जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, सूरह बकरा का तारफ़ लिखना है आप लोगों ने कि आखिर सूरह बकरा है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है जी। और क्वेश्चन कौन सा आएगा जी, मरकजी मजामीन आएगा और अहम निकात आएंगे। अहम निकात भी मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है, अहम निकात भी नीचे लिखे होते हैं। ये देखिए मजामीन, ये मजामीन है इनके, ठीक है, और ये अहम निकात है, यहाँ से ये पॉइंट शुरू हो रहे हैं। तो इनमें से शॉर्ट सवाल आज हमें पेपर में पूछे जाएंगे,
ठीक है, फिर इल्मी और अमली निकात हैं ये भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं जी। अब और मुतकिब करदा यात मुबारक के मरकबात का बा मुहावरा तर्जमा। अब दो या तीन आएंगे आप लोगों के, हदीसें आएंगी, ठीक है, आयात आएंगे, आप लोगों का तर्जमा करना है। अब ये आयात कौन सी आनी है, ये आयात आप लोगों की आनी है, मैं आपको बता देता हूँ जी, आप लोगों की याद आएंगे इसमें से, ये जो है इनमें से तीन या चार सवाल आएंगे। ठीक है, आयत आएंगे, आपने उसका तर्जमा करना है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा हो जाएगा, आठ सवाल आने हैं, कोई से पांच करने हैं, तीन के ये आएंगे। ठीक है, एक आधा तरफ में से आ जाता है, एक आधा मरकज़ी मज़मून और एक आधा अहम निकात में से। सो इस तरीके से आप लोगों के आठ सवाल टोटल करने हैं, आप लोगों में से कोई से पाँच करने हैं। कुरान अल्फाज के मानी, ठीक है, आठ मानी आएंगे, आपने कोई से पाँच करने हैं। ये कहाँ से आएंगे, ये तमाम अल्फाज मुतकिब करदा सूरतों के ज़खीरा अल्फाज, जितनी सारी सूरतें ना उनके ज़खीरा अल्फाज में से। अब ज़खीरा अल्फाज कहाँ पे हैं ये देखिए, मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये सूरत बकरा है, सूरत बकरा की मशक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर जो है वो दिए होते हैं ये सारे। ये देखिए इतनी सारी लंबी सूरत है, आपने सारी सूरत याद नहीं करनी, ना ही पेपर में सारी पूछेगा। ये देखें माशाल्लाह, सूरत बकरा जो है वो काफ़ी बड़ी सूरत है और कुरान पाक की सबसे। ये देखिए ज़िकीर अल्फाज के मानी, ये मानी आपने याद करने हैं, इनमें से आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पोर्शन है जी आयत का बा मुहावरा तर्जमा, आयतें पूछे गए उसका बा मुहावरा तर्जमा करना है। पांच आयत आएंगी, आपने उसमें से कोई तीन करनी है, पंद्रह नंबर की होंगी, हर एक के पांच नंबर हैं। अब ये कहाँ से आनी है, ये मेन मुद्दा है। ये अभी आपको मैंने बताई है नीचे ये वाली सूरत बकरा की आयत नंबर एक से सात करनी है। सूरत बकरा आयत है जी 255 आयतल कुर्सी की, सूरत बकरा की आयत करनी है 275, सिर्फ एक करनी है, यहाँ से एक, यहाँ से सात बनती है। सूरत बकरा की आयत है जी 84 से 86 तक, ये करनी है। सूरत अल इमरान 26 से 27 दो ये हैं, सूरत अल इमरान आयत 102 से 104 तीन आयत ये हैं। ठीक है, तो ये वाली सिर्फ याद करनी है, सारी आपने नहीं करनी। ठीक है, ये मेरी बात आपने समझ लेनी है और इसी को फॉलो करना है। ये ना हो कि आप लोग सारा बैठे याद कर रहे हैं, टेंशन हो रही है कि इतना हम कैसे याद करें, टेंशन तो लेनी नहीं है, सिर्फ जो आपको बताया वही याद करना है। इस सवाल में कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों के तारा मरकज़ी मज़ामीन खुलासा और अहम निकात में से तफ़सीली सवाल पूछा जाएगा। दो सवाल आएंगे, एक आपने करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, कि सूरत बकरा जैसे आएगा जी, सूरत बकरा का तारफ लिखें, खुलासा लिखें और उसका मरकज़ी मज़मून लिखें। तो इस तरीके से जब आप लोगों से पेपर में पूछेगा, दो लोग आएंगे, आपने उसमें से एक करना है। बाकी ये वाला पोर्शन सारा बता दिया, 15 का आना, ये 5 नंबर का, ये 10 नंबर की, 10 नंबर टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। तो भाई ये आपके लिए पेपर स्कीम थी, अगर वीडियो पसंद है ये लाजमी लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है लाजमी तौर पे यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और भी सिलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका गेस्ट पेपर अपलोड करूँ, शॉर्ट्स वाला आता अपलोड करूँ, एमसीक्यूज का पेपर अपलोड करूँ, आपको फ़ौरन इस वक्त मिल जाए। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें, और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत 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 अच्छे नंबर लें, और इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।